वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपको आमंत्रण कर रहा हूं, मैं परंजॉय गुहाटा। आज की चर्चा का विषय क्या है? भारतवर्ष का पर्यावरण और इसके साथ महामारी का क्या संपर्क है? जिस तरह से भारत सरकार, केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है, जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के ऊपर, वो मंत्रालय किस तरह से एक के बाद एक खनन का प्रोजेक्ट, बुनियादी ढांचा सड़क बनाने का प्रोजेक्ट और अलग अलग प्रोजेक्ट उसको बोल रहे हैं, आप चलिए आगे बढ़ जाइए। किस तरह से जन सुनवाई हो रहा है, किस तरह से इसका इन्होंने अनुमति दे रहे हैं और इसके क्या असर पड़ रहे हैं हमारे देश के आदिवासियों के ऊपर, उनके जल, जंगल और जमीन के ऊपर, ये है चर्चा का विषय। आज मेरा साथ सोनेपत हरियाणा अशोका विश्वविद्यालय से जोड़ रहे हैं चित्रंगदा चौधरी, ओडिशा का रहने वाले हैं, वो एक स्वाधीन पत्रकार है, पर्यावरण ये सारे विषय के ऊपर उनका लेख बहुत सारे वेबसाइट अखबार में आया है और इन्होंने ग्रामीण इलाका में आदिवासी समुदाय के ऊपर लिखते हैं और पर्यावरण के ऊपर। साथ साथ उन्हीं के बगल में बैठे हुए हैं अनिकेत आगा, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मनुष्य जाति का विज्ञान के ऊपर उन्होंने पढ़ाते हैं अशोका विश्वविद्यालय में, और वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक तरह से जो जो धर्मिया है कृषि क्षेत्र के ऊपर उनका काम है, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, एक तरह से उनका शोधकर्ता है इसी विषय को। साथ साथ हमारे साथ आज भुवनेश्वर से जोड़ रहे हैं अर्चना सोरेंग जी। अर्चना सोरेंग जी भी एक स्वाधीन रिसर्चर है, शोध करती है, वो आदिवासी का जो हक है, आदिवासी का जो अधिकार है, इस विषय के ऊपर और साथ साथ जलवायु परिवर्तन के ऊपर, इस विषय के ऊपर उन्होंने काम करते हैं। वो एक तरह से एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और she is a tribal from the Khadia tribe. आज वो और रांची से जोड़ रहे हैं हमारे साथ ग्लैडसन डुंगडुंग, वो भी जाने माने एक तरह से सामाजिक कार्यकर्ता है, वो आदिवासियों के ऊपर इन लोगों पर बहुत सारे किताब लिखे हैं, कम से कम 24-25 किताब लिखा है, हिंदी में, अंग्रेजी में, पता नहीं कितने सौ लेख उनका छपा है। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग और एक तरह से लीगल और कानूनी तरह से लोगों को मदद किया, एक नहीं बहुत सारे, 100-350 से ऊपर केसों में मदद किया। तो मैं शुरू करता हूं आज अनिकेत और चित्रंगदा, आप दोनों पहले जरा वो जो बड़ा छवि है, द बिग पिक्चर, पूरा विश्व में और भारतवर्ष में ये महामारी के साथ क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन और ये महामारी का क्या संपर्क है? महामारी और पर्यावरण का जो पर्यावरण को नष्ट करने में या एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन कह लीजिए, बहुत गहरा संबंध है और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडिया में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हमारा अब हम लोग की मतलब मुख्य धारा में सोच इस तरह से है कि अच्छा ये पता नहीं कहाँ से ये आ गई है महामारी और एक ना एक दिन इंशाल्लाह चली जाएगी, चाहे वैक्सीन से चली जाएगी, मास्क से चली, और अभी तक जब तक वैक्सीन नहीं आता मास्क पहने रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ करिए। पर ये अगर ये एक कोई इकलौती महामारी नहीं है, 2000 के बाद से दुनिया में कई सारे एपिडेमिक्स हो चुके हैं और जिनमें से कम दो पैंडेमिक्स हो चुके हैं। तो एक स्ट्रक्चरल रीजन है कि ये हमें हमें बार बार इस इन्फेक्शियस डिजीजेस, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बहुत ही सरल और संक्षिप्त में मैं कहूँ तो इसका सीधा कारण है कि बायोडिवर्सिटी नष्ट हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, जंगलों को काट के या अर्बनाइजेशन हो रहा है या खनन माइनिंग हो रही है या वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपैंड कर रहा है। ब्राजील में जो रेन फॉरेस्ट जलाए गए हैं वहाँ पे सोयाबीन और उसके साथ साथ सोयाबीन कल्टिवेशन और रांचिंग, कैटल रांचिंग होने वाली है। तो बहुत ही मतलब एक सेंटेंस में अगर मैं कहूँ तो आप जितनी बायोडिवर्सिटी नष्ट करेंगे उतना आसान है किसी भी पैथोजन के लिए आपको इन्फेक्ट करना।
आपके जो एक समलेस, अगर कह मतलब एक कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी यूज करूं तो फायर वॉल जैसी जो होती है बायोडाइवर्सिटी जो है वो फायर, वो रेजिलियंस प्रोवाइड करती है। इतनी आसानी से अगर बायोडाइवर्सिटी होगी तो एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज या एक एक क्रॉप से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन पैथोजन जंप नहीं कर पाएगा। लेकिन हम बायोडाइवर्सिटी नष्ट कर रहे हैं तो पैथोजेंस जो पहले वाइल्ड हैबिटेट्स में थे वो हमसे और करीब आ गए हैं। हमारे चिकन्स, हमारे पिग्स जो हैं वो बहुत पास डाले जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। और हम लोग भी जो हैं, यानी कि मैं कहना चाहूंगा इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है रॉब वॉलेस, उनका कहना है कि COVID-19 के लिए तो न्यूयॉर्क और लंदन को हॉटस्पॉट समझा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम जो क्रिएट किया गया ये एलिट्स ने क्रिएट किया है, बिल्कुल, और उसकी वजह से हम सब वल्नरेबल हो गए हैं। मैं आपको जरा रोक रहा हूँ और मैं चित्रंगदा को लाना चाहता हूँ हमारे बातचीत में। आपने, आप दोनों का जो लेख कुछ दिन पहले हिंदू अखबार में छपा है और उसका एक मैं पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। The accelerating destruction of wild habitats, forests and diversified food systems for urbanization, mining and industry means pathogens which were once largely confined to animals and plants in the wild are now better positioned to infect humans. The expansion of monoculture cropping, livestock farming systems coupled with dense human settlements dependent on narrow diets of global commodity crops and meat, aapne jaise murgi suar inki baat kiya, they are eliminating the biodiversity and distance barriers. So a virulent pathogen can then trigger an epidemic that much more easily, and as long as we do not access this march to unsustainability, we will remain vulnerable to pandemic outbreak. इनका मतलब आप जो कह रहे हैं, आप दोनों कह रहे हैं कि अगर हम अपना पर्यावरण के बारे में, अगर हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो धर्मीय कथा, इट्स नॉट अनसस्टेनेबल, तो इसका असर जरूर भारतवर्ष और भारतवर्ष के आम आदमी का स्वास्थ्य के ऊपर पड़ेंगे। तो इसके ऊपर और थोड़ा आप कुछ कहिए, इसके बाद हम अर्चना जी और ग्लैडसन जी के पास जाएंगे। हम जब एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं इंडिया में, वी कैन नॉट सेपरेट दैट फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस, एनवायरमेंटल जस्टिस एंड एस्पेशली जस्टिस फॉर दोज कम्युनिटीज हु हैव बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस होल डेवलपमेंट मॉडल। तो जैसे आदिवासी कम्युनिटीज आर ओनली 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, बट दे आर मोर देन 40-50%, इवन दैट इज एन अंडर एस्टिमेट, क्योंकि इसका कभी प्रॉपरली कोई जायजा नहीं किया जाता। They are getting displaced and moved, thrown out of their land. So globally, ye studies dikhate hain that almost 80% of the existing biodiversity is in the hands of indigenous communities or in those areas where indigenous communities live. So jin communities ko hamara so-called civilization backward bulata hai, actually unhone hi is pure biodiversity ko ab tak bacha ke rakha hai, and this perspective unfortunately is completely missing in the Indian development model, jahan environment minister unfortunately is all the time talking about speeding up green clearance, and he's saying ki hum isko bilkul compensate kar rahe hain is tarah ke compensatory afforestation se, but that is absolutely not a replacement for the kind of forests we are destroying. सेकेंड पॉइंट है, अगर आप लोगों को लॉकडाउन के पहले 2-3 महीने याद होंगे, व्हेन वी सॉ दिस ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो कहीं भी और किसी भी देश में नहीं हुआ था, शायद मैं रोक रहा हूँ चित्रांगदा, शायद विश्व में कभी हमने देखा है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड हम इस तरह से, जो प्रवासी मजदूर, करोड़ों प्रवासी मजदूर, हम पार्टीशन के बाद तो भूल जाइए, विश्व में कहीं जगह में हम ऐसे नहीं देखा। उसमें भी हमको ये कास्ट पर्सपेक्टिव से देखना होगा, हु वर दोस सेक्शंस ऑफ इंडिया हु वर अगेन एट द रिसीविंग एंड ऑफ दैट वायलेंस। आपको अगर याद होगा वो आदिवासी मजदूर थे जो रेल लाइन के ऊपर टोटली एग्जॉशन में सो के दे लॉस्ट देयर लाइव्स। वो एक आदिवासी लड़की थी 12-13 साल की जो बस्तर जाते हुए रिटर्निंग फ्रॉम तेलंगाना, शी कोलैप्स्ड। सो दिस होल मॉडल हैज बीन मच मोर वायलेंट टू सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एंड इफ यू गोइंग टू टॉक अबाउट सस्टेनेबिलिटी देन वी कैन नॉट डिवोर्स दैट फ्रॉम क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस। और तीसरा पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक कि
इंडिजिनस नॉलेज को जब तक हम नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने पॉलिसीज में, वी कैनॉट एड्रेस इश्यूज ऑफ पब्लिक हेल्थ और पैंडेमिक्स. तो जैसे एक छोटा एग्जाम्पल ओडिशा से, जो अनिकेत ने बोला कि किस तरह माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारे प्रोजेक्ट्स हम बहुत क्लोजली देखते हैं और उसके उसके ऊपर बहुत रिपोर्टाज भी होता है, क्वेश्चंस आर रेज्ड. बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर लेस सॉर्ट ऑफ जिसको कहें स्पेक्टेकुलर या less events of violence or displacement, but policies which again are going against indigenous knowledge. So, जैसे ओडिशा में जहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में आप देखेंगे एक एक कम्युनिटी कैन ग्रो अप टू 40-50 क्रॉप्स इन अ ईयर ऑन देयर स्मॉल पैच ऑफ लैंड. तो उनमें वो पूरा नॉलेज है किस तरह मल्टी क्रॉपिंग करे एंड हाउ डू वी वर्क विथ नेचर, नॉट अगेंस्ट नेचर बट विथ. वहां पे इन अ ह्यूज वे बीटी कॉटन, अर्लियर कॉटन एंड नाउ बीटी कॉटन इज बीइंग पुश्ड. सो दैट आल्सो अगेन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी. यू आर गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ केमिकल्स पुश्ड इनटू द नियमगिरी फुटहिल्स. और आपने बायोडायवर्स एग्रीकल्चर को एक मोनोकल्चर से आप रिप्लेस कर रहे हैं. और अगर आप गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे उसमें लिखा होगा कि ये बैकवर्ड एग्रीकल्चर को हमें मॉडर्न और प्रोग्रेसिव करना है. अच्छा, सो यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम इज दैट मल्टीपल लेवल्स एंड आई थिंक अर्चना जी, जो अभी अभी अनिकेत और चित्रंगदा बोला कि ये सिर्फ पर्यावरण और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे इसके साथ सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के बात आ जाता है, इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य के बात हो जाता है, पब्लिक हेल्थ की बात आ जाता है, इसके साथ इंडिजिनस नॉलेज जो परंपरा है, जो ज्ञान का परंपरा है जो आदिवासी समुदाय में, तो इसके साथ आप जो अभी तक हम लोग बात किया और कुछ जोड़िए. और साथ साथ अगर आप चाहते हैं इस वक्त एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जो आपका राज्य में जहां पे तालाबीरा जंगल में जो अडानी ग्रुप ने एक बिजली कोयला के एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, वहां कोयला खनन हो रहा है, एक उदाहरण में दे रहा हूं, तो आप इसके बारे में अगर कहने चाहते हैं कुछ कुछ कहिए. सबसे पहले बात तो हमें ये समझनी है कि आदिवासी भाई बहनों के लिए या फिर आदिवासी समुदाय के लिए और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के लिए लैंड नेचर एंड फॉरेस्ट इज नॉट मियर कमोडिटी जैसे कि बाहर के अदर people look at it. It's not a commercial commodity for them. For them, it is their life, culture और उनकी identity है. उनकी जीवन शैली ही nature और land से जुड़ी हुई है. तो जब इस तरह की developmental perspective, world view और projects आती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो sustainable और self-reliant way of living है उसको distort कर देती है. अभी अगर आप देखेंगे कोविड के समय पे जो भी पॉलिसीज और स्कीम्स अभी लाई गई है, इट इज फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म को प्रोजेक्ट करने के लिए कि पोस्ट कोविड में इकोनॉमिक रिफॉर्म के नाम पे लाई गई है. तो मेरा ये कहना है सबसे पहले तो कि जब आज की दुनिया पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है तो अगर कोई भी स्कीम्स पॉलिसीज जो आती है अगर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहा है आदिवासी समुदाय और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के लिए तो नहीं लागू करनी चाहिए. बिकॉज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर देम? फॉर देम फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड जो है वो उनके लिए सस्टेनेबल वे ऑफ लाइवलीहुड है. और जब इस तरह की डाइवर्जन होती है, फॉरेस्ट डाइवर्जन या फिर सेटअप ऑफ इंडस्ट्री होती है, तो सबसे ज्यादा है उनके फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड का हनन होता है क्योंकि पोल्यूशन के वजह से द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है विच इज द सोर्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इज डिस्टॉर्टेड. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू मैं विमेन पर्सपेक्टिव इसमें डालना चाहूंगी कि बहुत बार जब हम लोग आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज की बात करते हैं हम महिलाओं के ऊपर हुए कितना इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज को हम लोग मिस करते हैं. तो जब इस तरह की हनन मतलब खनन होती है या फिर इंडस्ट्री सेटअप होती है सबसे पहली बात तो जो है आदिवासी महिलाओं का जो स्पेस है जो वो पहले फ्रीली एक्सेस कर पाती हैं वो करटेल हो जाता है बिकॉज ऑफ इनफ्लो ऑफ आउटसाइडर्स. एंड ग्राउंड रिपोर्ट ये भी दिखाता है कि इट हैज ऑल्सो लेड टू यू नो राइज इन एट्रोसिटी एंड सेक्सुअल हरासमेंट ऑन दिस पीपल ऑन द वुमेन ऑफ आदिवासी एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. मोर ओवर ये जो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है
is a source of empowerment for the women of Adivasi and forest dwelling communities. और इसी के वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ा भी पाते हैं. और बहुत बारी अगर देखेंगे, जैसे क्योंकि आपने health crisis की बारे में बोला है, सबसे ज्यादा major problem होता है पानी का, water scarcity का problem होता है, और agriculture land भी अनफर्टाइल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट. तो उसके वजह से काफी देखा गया कि हेल्थ हजार्ड्स काफी उस एरिया के आदिवासी एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को हो रहा है. स्पेशली विमेन की जब हम लोग बात करते हैं, इन टर्म्स ऑफ द प्रेगनेंसी काफी इश्यूज हो रहे हैं, और इसी वजह से काफी महिलाएं अर्ली एज विडो भी हो जा रही है. कि जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट इज अंडरमाइनिंग द राइट्स गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो है हमारा, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है और जो पेसा एक्ट है. साथ ही साथ उसके साथ जो हमारे इंटरनेशनल कवेनेंट्स है, जैसे UNDRIP है, फिर इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, उसके तहत जो हम लोग को फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कंसेंट है, right over our natural resources and right to have a sustainable and adequate way of living hai, to ye sara kafi hamper ho raha hai because of these kind of industries being set up in Odisha. And jis tarah se aapne bola ki Talavira ka case hai, to wahan pe jo log hai, they have been protecting the forest symbols. मैं ग्लैडसन जी के पास जाना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए. ग्लैडसन जी, अभी अभी अर्चना ने कहा ये जल जंगल जमीन के साथ जो आदिवासियों का पूरा जीविका एकदम मिश्रित है, उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो एक तरह से उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है जब आप खनन करते हैं, कई सड़क बनाते हैं, कई एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं. आपके राज्य में झारखंड में, आप तो रांची में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय, वहां पे आपका राज्य सरकार भी, हेमंत सोरेन का सरकार भी कह रहा है कि ये जो कोयला खनन का जो निजीकरण हुआ है, अभी जो नीलाम हो रहा है, इसका विरोध कर रहा है. तो आप हमारा अभी तक जो हमारा चर्चा हुई है इसमें आप जरा जोड़ दीजिए आपका इसका, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव. अभी मुझे लगता है कि जिस परिस्थिति में पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में क्लाइमेट क्राइसिस जिस तरह से उभर के आया है, फिर ये जो कोरोना पेंडेमिक आया है, देखिए उसको सिर्फ आप आदिवासी पर्सपेक्टिव में या आदिवासी समाज में जो इम्पैक्ट होना है उसको बात करके आप कुछ कर नहीं पाएंगे. अभी जो है कि क्यों इस पर लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करना जरूरी है, क्योंकि जो सरकारें हैं, ना सिर्फ भारत की, पूरी दुनिया की सरकारें जो हैं वो मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं. उनको पता है कि जितने भी कंपनियां लगेंगे उसमें मिडिल क्लास को ही नौकरी मिलेगा. लेकिन इस मिडिल क्लास को अगर आप कन्विंस करेंगे कि जितने माइनिंग होगा या जितना डिस्ट्रक्शन होगा प्रकृति का, प्लानेट बचेगा ही नहीं, तो आप क्या करेंगे नौकरी और बाकी चीजों को लेके. इस पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि बात करना चाहिए. हाँ, आप जो है कि 2018 में IPCC, UN का IPCC ने जो दुनिया को बताया, रिपोर्ट जारी किया, कैसे भूल सकते हैं कि अगला एक दशक 2021 से 2030 तक उन्होंने डेडलाइन तय कर दिया है कि अगला एक दशक में आप इस प्लानेट को, धरती को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, और नहीं बचा सकते तो नहीं बचाइए. लेकिन ऐसे परिस्थिति में मोदी सरकार इतना इनसेंसिटिव है और वो जो है कि 41 कोल ब्लॉक को निजीकरण कर रहे हैं, मैं सोच के दंग रह जाता हूं कि इस परिस्थिति में आप ऐसे कैसे कर सकते हैं. और उन्होंने संकेत भी दिया, जब वो आए वो बोले कि संकट को जो है आप अपॉर्चुनिटी में बदलना है, तो वही तो वो कर रहे हैं. वो पूरा जितना बचा खुचा जंगल है, जमीन है, खनिज संपदा है, कोयला, सबको निकालना चाहते हैं. आप पूरी दुनिया में आप देख लीजिए ना, ये जो आपका है सबसे ज्यादा कोयला की भूमिका है. अभी यूरोपियन कंट्री, कई कंट्री जिसका नाम आपको मैं बता रहा हूँ, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइरस, एस्टोनिया, आइसलैंड, लटविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, मल्टा, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, ये सारे देशों ने डिसीजन ले लिया कि हम कोयला बेस्ड कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, सारा कुछ को बंद कर रहे हैं. क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि ये धरती बच नहीं सकती है आप वो करेंगे तो. लेकिन मोदी सरकार जिसको जो है कि यूएन ने उसको पृथ्वी पुरस्कार दे दिया, मैं कभी सोचता हूँ कि कैसे ऐसे दे सकते हैं. जो आदमी पूरा देश का कोयला को निकाल के जो है कि अडानी अंबानी सबको दे देना चाहता है, जितना बचा खुचा जंगल को काट के खत्म कर देना चाहता है, जो उड़ीसा का आपने बताया,
उड़ीसा में देखिए, वहां पे ना पेशा कानून को उन्होंने सुना, ना उन्होंने नियमगिरी जजमेंट को सुना सुप्रीम कोर्ट का, ना समता जजमेंट को सुना। देश का पांचवी अनुसूची सुनना नहीं चाहते हैं। देश का जब पांचवी अनुसूची है, फिफ्थ शेड्यूल है, जहां गवर्नर से आपको पूछना चाहिए, जहां पे ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल से पूछना चाहिए, जहां पे ग्राम सभाओं से अनुमति लेना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और जो मर्जी सो जो है कि जंगल को काट रहे हैं विकास के नाम से। लेकिन ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मिडिल क्लास को बताना पड़ेगा, ये आप धरती को जितना बचा खुचा जंगल है उसको काट के खत्म नहीं कर सकते हमारे देश में। बस मैं खत्म कर रहा हूँ ये कहते हुए, हम जो है कि वन थर्ड हमको जंगल चाहिए। 33% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया शुड बी कवर्ड बाय द थिक फॉरेस्ट। हमारे यहाँ कितना है, सरकार का आंकड़ा बता रहा है 21%। अगर आप उसको थिक फॉरेस्ट में जाएंगे तो आई थिंक इट विल कम डाउन टू 15%। उसके बाद भी आप जंगलों को कैसे बर्बाद करने की हिम्मत कर सकते हैं? तो ये तो सोचना पड़ेगा। देखिए, हम सभी लोगों को सोचना पड़ेगा। यदि हम ये नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या बोलते हैं, जब हम आदिवासी कहते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, हम जंगल को नहीं देंगे, जमीन को नहीं देंगे, तो ये कहते हैं आप विकास विरोधी हैं, आप देशद्रोही हैं, आप जो है कि संविधान का विरोधी हैं। आप देखिए, खूंटी में आपने देखा होगा 11,200 आदिवासियों पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया। वो क्या बोल रहे थे? वो यही तो बोल रहे थे, ये गांव हमारा है, यहाँ पे हमारी जमीन है, यहाँ पे हमारा जंगल है, कुछ भी करो तो हमसे परमिशन लो। उनको इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। तो ये जो हम आदिवासी जब आवाज उठाते हैं, उनको कहा जाता है ये देशद्रोही है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे मेरा पासपोर्ट इन्होंने दो दो बार इम्पाउंडेड किया। मैं जब यूके जा रहा था, मुझे हवाई जहाज से उतार दिया। मतलब ऐसे जो लोग आवाज उठाते हैं, इनको निरंतर टारगेट किया जा रहा है। मैं दोबारा चित्रंगदा और अनिकेत के पास वापस जा रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं कि सचमुच जो अपने आप को समझते हैं कि हम देश के हित में काम करते हैं, उन्होंने देशद्रोही आज बन गए हैं। और अनिकेत और चित्रंगदा, आप दोनों कहिए, ये उन्होंने जैसे कहा, हम सचमुच क्या संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं? हमारा सरकार सचमुच क्या ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं? और इस विषय के ऊपर आप कहिए, ये जो EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, एक प्रोजेक्ट का क्या असर पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर, इसका जो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो मंत्रालय ने किया, MOEFCC मंत्रालय, जो पर्यावरण जंगल और जलवायु परिवर्तन का मंत्रालय है, जो प्रकाश जावड़ेकर जी जो इनका मंत्री है, और वो जल्दी में सब कुछ बोला कि जून महीना खत्म होने के पहले ही आपका जो भी राय है आप दे दीजिए। फिर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा नहीं, और समय देना चाहिए, अब नया डेडलाइन है 11 अगस्त। तो ये इतना जल्दीबाजी क्या था, क्या जरूरत था? आप क्या सचमुच लोगों के बात सुनने चाहते हैं, आदिवासियों का लोग के बात सुनने चाहते हैं? आप सचमुच जो पब्लिक हियरिंग्स कहते हैं, जन सुनवाई होते हैं, इस आप सचमुच क्या विश्वास करते हैं? तो परंजय, आपने जो तालावीरा के बारे में पूछा अर्चना से, आई हैड गॉन देयर इन डिसेंबर टू डू अ स्टोरी आफ्टर सम विलेजर्स हैड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, क्योंकि रातों रात उनको पता चला कि लोग आके जंगल में, कंपनी के लोग आके काट रहे हैं। तो एक तो यहाँ अदानी का नाम सामने आता है, बट इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट टू शो के अदानी इज द माइंड डेवलपर, उसके पीछे एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, नेपाली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। तो इसमें पूरा गवर्नमेंट सेक्टर भी है। अब ये जिस तरह से कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये लाइंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक पूरा ब्लर होता जा रहा है। सो दैट इज वन इशू। लेकिन कमिंग टू द इशू ऑफ इम्पैक्ट, मैंने तालावीरा की बात इसलिए की क्योंकि जब मैं ये इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट्स देख रही थी तालावीरा के, कि इतना बढ़िया वहां पे कम्युनिटी कंजर्व्ड फॉरेस्ट है, जो वहां के जो लोकल गांव वाले हैं उनका पूरा एक सिस्टम था कि वहां पेट्रोलिंग करेंगे, खुद प्रोटेक्ट करेंगे जंगल को। तो उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर का जो नोटिंग था टू से कि हाँ, इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस आप दे दीजिए, पूरा जंगल को उठा के माइनिंग कंपनी को दे दीजिए, उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर ने लिखा था, और उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, रीजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उन्होंने लिखा था द इम्पैक्ट ऑफ फेलिंग 1,30,000 ट्रीज विल बी नेग्लिजिबल। मतलब आप 1,30,000 पेड़ काट सकते हैं, उसका कोई खास असर नहीं होगा, और इसलिए माइनिंग के लिए दे दीजिए। सो आई एम जस्ट मेंशनिंग दिस एग्जांपल टू से कि ऑलरेडी हमारा ये जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट सिस्टम है, ये इतना मतलब इम्परफेक्ट, टूटा हुआ है और टोटली प्रो इंडस्ट्री है। उसमें अभी जिस तरह के बहुत सारे फर्दर इलीगैलिटीज थे कि आप जाके कुछ शुरू कर दो विदाउट एनी क्लियरेंस, और बाद में आपको वो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे दें,
या जिस तरह से आप कुछ पोल्यूशन कर रहे हैं, उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ में इतने खराब खराब केसेस हैं जहां पे उन्होंने वाटर बॉडीज पोल्यूट कर दिए हैं, सॉइल पोल्यूट कर दिया है, वहां जो लोकल कम्युनिटीज थे वो वहां जा नहीं पाए. ये सारी चीजों को इन अ वे दिस एआईए ड्राफ्ट फॉर्मलाइजेस इट एंड मेक्स इट ओके. हाँ, मैं अनिकेत को जो कुछ आप बात जोड़ दीजिए इसमें कि एक इसमें एक दो बात मैं छोड़ूंगा. हाँ, एक तो पोस्ट अप्रूवल कि आप प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए और बाद में अगर आप कुछ उल्लंघन भी किया कानून का या अधिनियम का, बाद में हम सब साफ कर देंगे, साहब आपको अनुमति मिल जाएगा. और ये जन ये दो विषय के ऊपर आप कहिए थोड़ा बहुत. मैं दो बातें कहूंगा और वही ग्लैडसन जी ने जो कहा बहुत मतलब बहुत सही कहा उन्होंने, उसी में जोड़ूंगा. एक बात आप बस सोचिए कि ये जो वाइजैग में अभी गैस लीक हुआ है, वो जो जहां से गैस लीक हुआ है उस प्लांट एलपी पॉलीमर प्लांट के पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं थी. और आप सोचिए कि जिस देश में भोपाल जैसी चीज हो चुकी है वहां पे फिर से वाइजैग का गैस लीक का केस होता है और सरकार की रिस्पॉन्स है कि अच्छा भाई अब नए नियम के अंदर अगर आप बिना क्लियरेंस के शुरू कर दीजिए कोई बात नहीं. आप कह रहे हैं कि ये जो नया जो EIA एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन है, आप प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए पहले, बाद में आपको पर्यावरण के बारे में आपको अनुमति मिल जाएगा. साथ साथ आप और चित्रंगता का जो लेख आया है हिंदू में, अब ये भी कहा है कि जो पब्लिक हियरिंग्स है, जो जन सुनवाई है, वैसे भी एक बहुत ही समस्या थे जिस तरह से हो रहे थे और जिस तरह से जन सुनवाई हो रहे थे वो ठीक नहीं था. अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है, वो जो लोगों का जो आवाज, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, उनका जो आवाज और भी कमजोर हो जाएगा. इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए. पब्लिक हियरिंग में बहुत समस्याएं थी, वो काफी ज्यादातर औपचारिक तरीके से किया जाता था, कहीं और से कुछ लोगों को बुला के हाँ जी हमें मंजूर है करके असली लोग जो लोग प्रभावित थे उनकी आवाज दबा दी जाती थी. पर जो भी था, एक तो मौका था जहां कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पता चले जिसको आप क्रिटिसाइज कर सके या PIL में इस्तेमाल कर सके. अगर अब ये जो नया EIA ड्राफ्ट है उसमें आपने एग्जेम्पशंस बढ़ा दिए हैं ये इस औपचारिक पब्लिक हियरिंग से भी, तो मतलब ये जो है, और मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ये सब सरकार कर रही है जब ऑलरेडी एक गैस लीक हुआ है, बागजान में ब्लोआउट हुआ है, पैंडेमिक चल रहा है, उसमें हम ये सब कर रहे हैं. तो जैसा कि ग्लैडसन ने कहा, मतलब या तो आप मतलब इससे किस क्या फायदा होगा, कौन सी नौकरियां मिलेंगी जब आपके पास हवा नहीं है, जहां आपके टॉक्सिक गैसेस आपके वातावरण में है, तो मतलब वो नौकरी से क्या मिलेगा और इससे किसका लाभ होगा. हाँ, जिनका लाभ हो सक होगा वो शायद मतलब एक ब्रॉडर कल्चर ऑफ ओपेसिटी भी आ रहा है ना, कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से आप सीक्रेट फाइनेंसिंग कर सकते हैं. तो एक अगर इस तरह की कोई डील्स हो रही है तो वो हमें पता नहीं, पर यहाँ तो मिडिल क्लास का भी फायदा मुझे नजर आ नहीं रहा. तो अर्चना जी, तो आप जहाँ पे रोक गए थे वो दोबारा शुरू कीजिए. अभी जो नया जो नोटिफिकेशन आने वाले है, इसका आप कैसे विरोध करेंगे, अब क्या कहेंगे कि क्यों ये ठीक नहीं है? दुख की बात ये है कि ये सारी जो चीजें हो रही है ये लॉकडाउन में हो रही है, तो इसके वजह से भी काफी दिक्कतें आ रही है चीजों को समझने में, या फिर डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, लोगों को पता चलने में बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि सब लॉकडाउन में है. तो जैसे अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और इस तरह की लॉज एंड पॉलिसीज आती तो सब संगठित होके डिस्कशन करते और वे आउट के बारे में चर्चा होती. तो उसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि अगर आज हम लोग ठीक है इकट्ठा नहीं आ पा रहे हैं लॉकडाउन के वजह से, पर क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के थ्रू माध्यम से भी हम लोग काफी कनेक्ट कर पा रहे हैं हमारे संगठनों के साथ और भाई बहनों के साथ, तो सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सबमिशन का, तो हम लोग वो अपना सारा सबमिशन देंगे, कम्युनिटी वाइज में देंगे, संगठन के वाइज में देंगे, बहुत सारे स्टेट लेवल नेशनल लेवल आदिवासी संगठन्स हैं, कलेक्टिव्स हैं पीपल के, यहाँ तक कि जितने जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो कलेक्टिव है, महिलाओं का जो संगठन है, सब मिलके हम लोग वो सबमिशन करने का
ये डिसीजन हुआ है। और साथ ही साथ मेरा ये कहना है कि हम ये EIA का विरोध करते हैं, लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि ये EIA 2020 काफी एडवर्स इम्पैक्ट होगा इसका, लेकिन EIA असल में कितना हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है जमीनी तौर पे, इसके बारे में हमें बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि जो पहले EIA की प्रोविजन है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जैसे जिस तरह से अनिकेत जी बोल रहे थे कि जिस तरह से जन सुनवाई में जो क्वोरम होना चाहिए वो क्वोरम्स भी फुलफिल नहीं होते हैं, और साथ साथ ये भी है कि कुछ चंद लोगों को ले जाके ये मीटिंग्स और ये जो भी दस्तावेज होते हैं वो फॉर्ज किए जाते हैं। तो यस, वी डिमांड विड्रॉवल ऑफ EIA 2020, बट वी आल्सो डिमांड स्ट्रॉन्गर EIAs एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा ग्लैडसन जी, ऐसा है कि ये जो आज समस्या है, एक तो है ये विश्व में अलग अलग देश में है, मगर भारतवर्ष में अगर अलग अलग जगह में देखेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट है। जैसे अनिकेत और चित्रंगदा ने पूरा एक एक तरह से एक लंबा लिस्ट इन्होंने बनाया जहां एक ही समस्या है, तो सब इन लोगों को इकट्ठा करना, इसको एक आंदोलन करना भी आसान नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग का घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में, जो इटालिन प्रोजेक्ट, आप आसाम में आपका जो देहिंग पटकाई जो हाथियों का जो रिजर्व एरिया है वहां पे कोयला खनन का बात हो रहा है, आप हीरे माइनिंग करेंगे आप मध्य प्रदेश का पन्ना में, आप जैसे हमने तालाबी रखे बात किया, आप गीर जो मोदी जी का गुजरात में जो गीर जंगल में भी आप एक लाइमस्टोन का खनन करने चाहते हैं, आप कर्नाटक में जो शारावती वो सेंचुरी है जो लायन टेल मैकॉक के जो जहां रहते हैं, तो ये सारे हम देख रहे हैं भारतवर्ष का अलग अलग क्षेत्र में, उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में हो रहे हैं। तो इसका एक इज इट पॉसिबल टू हैव अ नेशन वाइड काइंड ऑफ अ मूवमेंट, ऐसे आप लोग इकट्ठा होके आप कुछ आगे बढ़ सकेंगे? इसको अगर आप देखेंगे तो सभी जगह है, झारखंड का भी, झारखंड का मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरांडा फॉरेस्ट जो एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है, वहां भी नो गो एरिया में 43,000 हेक्टेयर को जो है कि ये लोग ओपन अप करने के लिए पूरा प्रक्रिया चल रही है। वो खबरें बहुत बाहर नहीं आ रही लेकिन ये चल रहा है। तो ऐसे सभी जगह पे चीजें हो रही है। आप जहां तक आपने कहा कि क्या नेशन वाइड ये मूवमेंट हो सकता है, देखिए नेशन वाइड मूवमेंट कितना स्ट्रोंग हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसके बारे में मैं बहुत क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं आपको कह सकता हूँ कि लोकल लेवल पर सारे जगह पे मूवमेंट होंगे। हमारा सरांडा जंगल में ही देखिए, इन्होंने वेदंता को भी दिया है वहां पे, आप लोग जनसुनवाई की काफी बात कर रहे थे, मैंने सरांडा में काफी जनसुनवाई देखे हैं। वेदंता का प्रोजेक्ट में जितने लोग जनसुनवाई में विरोध कर रहे थे उनको बाहर कर दिया गया, उसी तरह जो है कि सरांडा जंगल के अंदर एक प्रोजेक्ट में मैंने देखा, वहां कंपनी वालों ने सारे गांव के लिए मटन का व्यवस्था किया, उनको पैसा दिया, उनको बोला कंपनी के लोगों को सिर्फ स्वागत करना है, ठीक से बताया नहीं गया, फिर वहां का हेडमैन को जो है कि ऑफिस उठा के ले जाया गया, सारा कुछ चीजें चलती है। तो लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद, मतलब जहां वेदंता का प्रोजेक्ट है या फिर मित्तल का प्रोजेक्ट है झारखंड में, अगर लार्जली आप देखेंगे तो हम लोगों ने लोकल प्रोटेस्ट से उसको रोक दिया है। लेकिन अभी मैं क्यों मिडिल क्लास का बात कर रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लंबे समय तक सिर्फ आदिवासी लोग अपने बदौलत शायद इतना ज्यादा रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कैसे आप उनको देशद्रोही बोल के बड़ा बड़ा मुकदमा किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। तो इसलिए जो है कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि दुनिया का 1% जो है कि आप ऊपर में बैठे हुए कॉरपोरेट के लोग, पूंजीवादी लोग पूरा दुनिया को तहस नहस करके वो अलग प्लानेट खोज रहे हैं अपने लिए, मून में जाके रहेंगे कहीं रहेंगे, इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए मिडिल क्लास को ये कहना पड़ेगा कि आप आने वाले पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्वच्छ
हमारा देश देना चाहते हैं, पूरा प्लानेट देना चाहते हैं, तो आपको उस दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। और अभी समय है, अगर यदि अभी आपने वो आदिवासी जो लड़ रहे हैं उनको आपने मदद नहीं किया, उनके साथ आप खड़े नहीं हुए, तो आने वाले समय में आप रोएंगे। आप जिस तरह से पानी में बोतल खरीद रहे हैं, आप ऑक्सीजन भी, हवा भी आप बोतल में खरीदेंगे। ग्लेडसन जी, मेरा वक्त कम है, तो जिस तरह से हमने शुरू किया, हम रिवर्स ऑर्डर में वापस जा रहे हैं आपके पास। आपका आखिरी जो कहना है, योर लास्ट कमेंट्स, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि ये सारे क्लियरेंस हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर रहे हैं, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब कुछ अनुमति मिल जाएगा, अब लोगों को सूचना नहीं मिल रहा है, जो 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 नक्शा चाहिए, मैप्स चाहिए, जो डिटेल्स चाहिए, जो जो बारीकी से आप जमीनी स्तर में क्या हो रहा है ये आप देने नहीं चाहते हैं। और साथ साथ जावड़ेकर जी कह रहे हैं ऑल इज वेल, सब ठीक है, हमारा मंत्री जी कह रहे हैं आर्थिक विकास का यही एक रास्ता है, तो आपका जो मोदी जी कह रहे आत्मनिर्भरता बहुत जरूरत है, सेल्फ सफिशिएंसी हो रहे, क्या इस तरह से हम आत्मनिर्भरता का रास्ता में आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं बहुत सिंपल बात कहता हूँ कि आप एक किसान को, एक आदिवासी को उसका खेत और जंगल बेच के आत्मनिर्भर बनने का जो बात कहते हैं, ये ढकोसला है। और जो है कि ये इस तरह से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता है। आप देश का रीढ़ का हड्डी को तोड़ रहे हैं, आपको, आप देश इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। आप जो है कि हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और मैं कंक्लूडिंग रिमार्क ये कहूंगा, देश में संविधान है, देश का पांचवी अनुसूची जो आदिवासी इलाकों के बारे में बात करता है, यार पांचवी अनुसूची को आप लागू कीजिए। इस पांचवी अनुसूची के लिए जो भी कानून आप बनाए हैं, पेशा कानून बनाए हैं, ग्राम सभा को पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नियमगिरी को लेकर, समता जजमेंट है, और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये सारे कानून को लागू कीजिए ना, उसके आधार पर जाइए ना। अब एक एग्जाम्पल आपको छोटा सा दे रहा हूँ, रिंची एक गांव है यही झारखंड में, उस रिंची गांव में मैं गया, रिंची गांव में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत सब डिवीजन लेवल कमेटी ने कहा कि इन आदिवासियों को दिया जाए, ये उसके हकदार हैं। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में ये गया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कहता है क्योंकि वहां पे कोल माइंस है इसलिए इनको अधिकार नहीं दे सकते हैं। मतलब आप अपने बनाए कानून को ही आप अवहेलना कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, लोगों को सशक्तिकरण देना बहुत जरूरी है, उनका जागरूकता का जो जरूरी है, जो लोग कहते हैं इकोलॉजिकल इलिटरेसी, लोगों को शिक्षा और उनका जागरूकता बहुत जरूरी है। अर्चना जी, आपका आखिरी जो इस आज हमारा डिस्कशन में वक्त कम है, सो योर लास्ट रिमार्क्स, आप पूरा सोच के हमारा क्या रास्ता है आगे बढ़ने के लिए, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? तो ये जो कोविड पैंडेमिक है, ये हमें ये दिखाया है कि आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो है, उनकी जो वे ऑफ लिविंग है, जो इंटरट्विंड विद नेचर है, नेचर के साथ डिपेंडेंट है, दैट इज अ सेल्फ रिलायंट वे ऑफ लिविंग। क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस स्टेट्स में, जैसे ओडिशा हो गए, महाराष्ट्र हो गए, तो वहां पे जिन लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा मिले हैं, CFR टाइटल्स मिले हैं, तो वो उस एरिया में वो लोग रेजिलिएंट हो पाए हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके और लाइवलीहुड को लेके। तो जब हम लोग पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट, पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, लैंड टेन्योर की सिक्योरिटी देंगे आदिवासी समुदाय को, तभी जाके वो असल में सेल्फ रिलायंट हो पाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी, इट इज नॉट ओनली कि ये उनके ऊपर प्रभाव है, या फिर दिस इज ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द आदिवासी एंड फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, पर अगर इसको हम लोग नेशनल एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे, तो अगर उनके लैंड राइट सिक्योर होते हैं पेसा और फॉरेस्ट राइट के एक्ट के तहत, वो ज्यादा सिक्योर हो पाएंगे, और उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है जंगल को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, वो जो कला है, वो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वो बचा पाएंगे। साथ ही साथ युवाएं को ये नॉलेज मिलेगी, और युवाएं ही आगे की जो पोस्ट कोविड का एरा हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, तब युवाएं बहुत ही अहम मुद्दा और अहम रोल निभाएंगे इस समय पे।
धन्यवाद धन्यवाद अर्चना जी। जो आखिरी मैं अभी चित्रंगदा और अनिकेत से बहुत कम शब्द समय है हमारे पास, वक्त बहुत कम है, आप wrap up the whole conversation. So, can we have your closing remarks? And we are seeing this all over the country, Bharat Varsh ka alag alag jagah, Gujarat se Arunachal se Assam se Chhattisgarh ka Hansdev Aranya, Orissa, Jharkhand, alag alag jagah mein yehi samasya hum baar baar dekh rahe hain. Hume kya shiksha milna chahiye? Kaise kya kaise hum aage badhe? तो जो अर्चना ने कहा, आई ऑल्सो फील दैट द यूथ आर रियली इम्पोर्टेंट, और मतलब वी हैव टू लुक लेस एंड लेस, ऑफ कोर्स वी हैव टू होल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटेबल, लेकिन जैसे मैंने देखा है ग्लैडसन गांव गांव जाके मीटिंग्स करते हैं, अपनी किताबें छोटे से यू नो बोलेरो में लेके वहीं पे स्टॉल लगा देते हैं, लोग आके 5-10 रुपए दे के बुक्स पढ़ते हैं, तो इस तरह से वी नीड मास अवेयरनेस, आई थिंक वो बिल्कुल है। एंड एक एक अच्छी बात जो आई है पिछले 2-3 महीने में, ये ईआई ड्राफ्ट के अराउंड एंड इवन दिस कोर्ट ऑक्शंस, आप देखेंगे एमओईएफ एंड द गवर्नमेंट हैज गॉट सो मेनी रिप्रेजेंटेशंस आस्किंग देम टू नॉट गो डाउन दिस पाथ, राइट फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप्स इन दिल्ली, आई थिंक इवन इन अनिकेत यूनिवर्सिटी, ग्राम सभा सरपंचस इन हसदेव ने लिखा है, हेमंत सोरेन और आदित्य ठाकरे और छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट मिनिस्टर जैसे लोगों ने भी बोला है कि यू नो दिस इज वी कैन नॉट गो अहेड लाइक दिस, तो लेट अस ट्राई एंड यूज दिस मोमेंट, जैसे हमने अपने आर्टिकल में लिखा था कि पूछें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर हमको लगता है कि और किसी का विनाश करके हम आगे बढ़ जाएंगे देश में और कहीं कुछ हो रहा है, जंगल कट रहा है, तो वहां वो आदिवासी कम्युनिटीज की प्रॉब्लम है, हम यहाँ सुरक्षित हैं, ऐसा नहीं है। वी ऑल आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट एज दिस वायरस इज शोइंग, एंड वी हैव टू थिंक अबाउट ईच अदर एंड ऑल्सो एज अर्चना सेड द फ्यूचर जनरेशंस। अनिकेत, आप कुछ और कहने चाहेंगे? ग्लैडसन ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आत्मनिर्भरता की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के समान है, और जिन कारणों की वजह से आज हम पैंडेमिक और लॉकडाउन में हैं, उन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ के हम सीमलेस इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, इससे ज्यादा बेवकूफी का ख्याल मतलब शायद हो नहीं सकता। तो बहुत जरूरी है कि खास करके जो अर्बन मिडिल क्लास है, खास करके जो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास है, वहां तो हमें ये बहुत अर्जेंटली मैसेज फैलाना है कि ये आप अपनी पैरों पर ही हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ये सारी लॉज को स्ट्रॉन्ग बनाना है रादर देन वी। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स अब ये दिखा भी रहा है, जो कई एक्टिविस्ट लोग कई सालों से कह रहे हैं कि हमारा लिबरलाइजेशन मॉडल ही फ्लॉड है, क्योंकि उसने वेल्थ क्रिएट नहीं करी है, ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय किए हैं। नेट पार्थादास गुप्ता जो एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है, उनकी रिसर्च कहती है कि हमारी नेट जीडीपी ग्रोथ वेल नेगेटिव हो सकती है, जीरो के करीब है, एक बार आप जंगल जमीन पानी का दें, तो ये हमें इलिटरेसी से बाहर निकलना है। और इस साल और आने वाले कुछ सालों में इसमें तो किसी का दो राय नहीं है, सरकार भी मान रहे कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, बढ़ेंगे तो नहीं, कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा ये समय बताएंगे। और आप चारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अनिकेत, चित्रंगदा, अर्चना, ग्लैडसन डुंगडुंग और न्यूज क्लिक का हर दर्शकों, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू वंस अगेन, और आप लोग देखते रहिए न्यूज क्लिक। Thank you.